मूसेवाला कतलकांड के मुख साजिशकारे मने जाते गोल्डी बराड़ नूं अमरीका दे विच काबू कर लिया गया है। गैंगस्टर नूं बिना पासपोर्ट तो फड़िया गया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गोल्डी बराड़ नूं छेती पंजाब विच लिआउण दा दावा किया है। मूसेवाले दे मापिआं नूं भी हुण इंसाफ की आस बजी है। लुधियाना बंब धमाके का मुख साजिशकारा हैप्पी मलेशिया भी एयरपोर्ट तो काबू कर लिया गया है। 7 दिनों के पुलिस रिमांड से भेज दिता गया। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जीरकपुर के पुरानी अंबाला रोड से स्थित टकोली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक होर मैंबर नूं गिरफ्तार किया है। मुलजम की पछाण बंटी वजों हुई है, जिहड़ा कि तेलीवाड़ा जिला भवानी का रहण वाला है। हथियारों की अंतरराजी तस्करी करता है। इहदे कोलों 20 पिस्तौल ते इनोवा कार भी बरामद हुई है। ते मुढ़ली पुछ पड़ताल दे विच पता लग्या कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा इह मैंबर है। इस नूं विदेश विच बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दे निर्देशां ते बिश्नोई गैंग दे मैंबरां तक हथियारां दी खेप पहुंचाउण दा काम सौंपिया गया सी। पंजाब दे DGP गौरव यादव ने खुद इस सारी जानकारी दित्ती है। सो एक पासे जिथे जीरकपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मैंबर नूं गिरफ्तार किया है, उत्थे अमृतसर दे विच इसे ही गैंग के दो गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त विचों ही फरार हो गए ने। बिश्नोई गैंग नाल संबंधित गैंगस्टर नितिन नाहर अते साहिल नूं अदालत विच पेशी लई लिआंदा गया सी, जिथों पुलिस नूं झकानी दे के फरार हो गए। शाम तक पुलिस ने साहिल नूं तां गिरफ्तार कर लिया, पर नितिन नाहर दा कोई सुराग नहीं मिलिया। BJP पंजाब दे विच काफ़ी ज़्यादा रुचि लैंदी दिखाई दे रही है। इसे करके BJP की कौमी कार्यकारिणी दे विच कांग्रेस चो गए वड्डे लीडरां कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सुनील जाखड़ नूं मैंबर नियुक्त किया गया है, जबकि मनोरंजन कालिया राणा सोढ़ी अते अमनजोत रामोवालिया नूं विशेष इनवाइटी मैंबर बनाया गया है। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने काफ़ी गुस्से दे विच आउंदिआं पटना साहिब प्रबंधकी बोर्ड के सारे मैंबरां नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते तलब कर लिया है। तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार की सेवा आरजी तौर पर ज्ञानी बलदेव सिंह नूं सौंपी गई है। सबका जथेदारा इकबाल सिंह अते रणजीत सिंह गौहर नूं तख्त श्री पटना साहिब कंपलैक्स चो बाहर जाण दे हुक्म सुना दिते गए ने। तलब किते मैंबर जे 6 दिसंबर नूं पेश नहीं हुंदे तां कार्रवाई होवेगी। इस दौरान SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा की वक्री कमेटी के वल्लों बनाई गई एडहॉक कमेटी नूं वी रद्द कर दिता गया। उधर श्रोमणी अकाली दल की अनुशासनी कमेटी ने अपने ही बागी लीडर जगमीत सिंह बराड़ नूं तलब कर लिया है। इन्हां नूं भी 6 दिसंबर नूं पेश होण लई कहा है। ते भी पता लग्या कि परसों जिहड़ी जगमीत सिंह बराड़ ने तालमेल कमेटी बनाई सी, उस दे विच सीनियर अकाली लीडर सुच्चा सिंह छोटेपुर रविकरण सिंह कालों ते अरविंदरपाल सिंह पखों के शामिल सन, ते इन्हां ने हुण जगमीत बराड़ दे वल्लों कायम कमेटी तो किनारा कर लिया। पंजाब दे पेंडू विकास ते पंचायत विभाग ने पंचायत सकत्तरां दी हड़ताल ते लगाम कसदिआं हुण नो वर्क नो पे दे हुक्म जारी कर दित्ते ने। चिट्ठी कढ दित्ती गई है कि कुछ पंचायत सकत्तर पिछले कुछ दिनां तों कम नहीं कर रहे, जिस करके विभागी कम प्रभावित हो रहे ने। उधर यूनियन दे लीडरां ने कहा कि पंजाब सरकार दा ये तुगलकी फरमान असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। अकाली BJP सरकार वेले होए सिंचाई घोटाले दे विच फसे होए साबका अकाली मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों आखिरकार विजिलेंस मूहरे पेश होए ने। शुक्रवार नूं मोहाली स्थित विजिलेंस भवन दे मुख दफ्तर दे विच अधिकारियां ने साबका अकाली मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों तों पुछगिछ कीती है। टीम ने ढिल्लों तों सिंचाई घोटाले नाल संबंधित कई सवाल जवाब कीते ने। हालांकि विजिलेंस ने अधिकारिक तौर ते जानकारी नहीं दित्ती है कि सवालां दे जवाब किन्ने क भरोसेयोग मिले ने, दित्ते भी गए ने जां फिर टालिया गया है। हालांकि सूत्र दसदे ने कि ढिल्लों वल्लों सवालां दे जवाब गोल मोल कीते गए ने। दाणा मंडी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच साबका मंत्री भारत भूषण आशू दे नाल नामजद उन्हां दे नेड़ले साथी इंद्रजीत इंदी दी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दित्ती है। इस तों पहलां हाईकोर्ट अते जिला अदालतां भी इंदी दी जमानत अर्जी खारिज कर चुकियां ने। इंदी इस मामले विच पहले दिन तों ही फरार चल रहा है। विजिलेंस दीआं टीमां इस नूं लभण लई काफ़ी मेहनत कर रहियां ने, पर इंदी हाले तक नहीं मिलिया। पंजाब दे बिजली सैक्टर दे नाल जुड़ी अहम खबर है। बिजली सैक्टर दे विच खपतकार सेवावां दी कौमी दर्जाबंदी दे विच पंजाब पछड़ गया है। पावर सैक्टर दी कौमी रेटिंग दे विच पावर कॉम दी कई नुक्तियां तों कारगुजारी दा ग्राफ डिग गया है। 2015-16 तों लैके हुण तक पंजाब नूं इस कौमी रेटिंग विच सब तों वध निराशा हुण हथ लगी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं चिट्ठी लिख के इस ताज़ा हालात तों जाणू करवाया है ते कुछ सलाहां भी दित्तियां ने। चिट्ठी मुताबिक 2020-21 दी कौमी रेटिंग दे विच खपतकार सेवावां च पावरकॉम नूं C+ दर्जाबंदी मिली है। इस रेटिंग दे विच पावरकॉम नूं समुच्चे रूप दे विच एकीकृत रेटिंग B ग्रेड नाल 16वां रैंक मिलिया है, जिहड़ा कि बहुत ही पछड़िया होया रैंक है। इस रेटिंग रिपोर्ट दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों पावरकॉम नूं बिजली सबसिडी जारी करन दे विच देरी नूं आधार बनाया गया है। इसे करके PSPCL दी रैंकिंग इन्नी ज़्यादा पछड़ गई है पूरे देश दे विचों।
पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिथे बीजेपी दे विच आउदे मान रहे ने बागोबाग हो रहे ने उत्थे ही भारतीय किसान यूनियन पटेड़ी ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी रिहायश पटियाले वाली न्यू मोती बाग पैलेस दे मूहरे धरना शुरू कर दिता है। पहला तो सुनिया सी जदों कांग्रेस की सरकार सी मुख्यमंत्री पंजाब हुंदे सी कैप्टन उदों तां पटियाला जिहड़ा धरनियां दे नाल जाम रहिंदा सी, पर जो तो नवीं सरकार बनी है इत्थे धरने घट ही सुनाई दिंदे ने। पर हैरानी दी गल है कि किसानां ने साबका सीएम दी रिहायश दे मूहरे धरना ला दिता है, जिहड़ा कि प्रशासन ने सोचा भी नहीं होना। किसानों ने साबका मुख्यमंत्री ते वादा खिलाफी दे दोष लाउंदिआं इह धरना लाया है ते बीजेपी दे नाल सांझ पाउण दा भी किसानों ने विरोध किया है। किसानों ने इल्जाम लाए ने कि जदों किसान अंदोलन चलिया सी तां बीजेपी ने किसानों नूं लगभग 2 सालां दे लई सड़कां ते रोलण लई मजबूर कर दिता, फिर किते जाके खेती कानून रद्द किए गए, पर उस वेले जिहड़ियां होर मंगां पूरियां करन दा वादा कीता गया सी उह हाले तक नहीं होईआं। ते इन्ना कुछ होण दे बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर बीजेपी दे नाल जा रहे ने, इस करके उह किसान विरोधी हो निबड़े ने, इसे करके उहनां दा विरोध कीता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर दे वल्लों 11 दसंबर नूं सिंघू बॉर्डर ते शहीदी समागम करवाए जा रहे ने। उस तो पहलां कल मीटिंग हुई है, पंजाब पद्धरी मीटिंग जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगवाई दे विच हुई है। डल्लेवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी दे वल्लों 11 दसंबर नूं सिंघू बॉर्डर ते मोर्चे दीआं बाकी रहिंदीआं मंगां नूं लै के अते मोर्चे दे शहीद किसानां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई शहीदी समागम कीते जा रहे ने। इन्हां समागमां दे विच लगभग 30,000 दे करीब वर्कर ने जिहड़े उह सिर्फ ते सिर्फ बीकेयू सिद्धूपुर वलों शामिल होणगे, जिस दे लई सारे जिलियां दे पिंडां दे विच लामबंदी करन दे लई ड्यूटियां ला दित्तियां गईआं ने। बाकी देश भर दीआं जथेबंदियां दे वल्लों जिहड़े किसान पहुंच रहे ने उस बारे फैसला 5 दसंबर दी संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी दी मीटिंग तों बाद पता लगेगा। इस मौके डल्लेवाल ने पंजाब दे कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह निज्जर दे वल्लों जिहड़ा 2 दिन पहलां बयान दित्ता गया सी कि पंजाबी बेवकूफ कौम ने, हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मंग लई सी, उस बयान की सख्त निखेधी की है। उन्होंने कहा कि निज्जर सत्ता के नशे विच चूर होकर पंजाबियों नूं बेवकूफ कौम आख रहे ने, अते धरनां दे विचों निकली पार्टी की सरकार जिसने संगरूर दे विच किरती लोकां ते अपने हक्कां लई कीते जा रहे संघर्ष दौरान जिहड़ा लाठीचार्ज किया गया उसकी भी उन्होंने सख्त शब्दों विच निखेधी की है। तो कहा कि बीकेयू सिद्धूपुर अजिहे धक्के बर्दाश्त नहीं करेगी। आपां सारयां ने देखिया है कि जिस वेले किसान सड़कां ते आए तो साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री जी ने ते उन्हां दे नाल होर भी बहुत सारे अमले फैले ने एक बड़ा वड्डा प्रचार किया कि सड़कां ते ना बैठो, मंत्रियों के घर घेरो। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही विचारे जे सुभा दे नाल ये गल कही सी कि यार मेरा घर घेर लो, मेरे घर आ जाओ, साढ़े मंत्रियों का घेर लो ते साढ़े मजदूर वीर, पिछले दिनां तुसीं देखिया मजदूर वीर आपदियां मंगां लैके आपदा मसला लैके मुख्यमंत्री जी दे घरे गए, मुख्यमंत्री जी दे बार च गए। फिर तुसीं सारयां ने देखिया उत्थे की कुछ होया, इत्थे नहीं मुकदी गल। मैं ये पुछना चाहुंना है साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री जी नूं कि जिहड़ी जिहड़ा तुसीं उस दिन बयान दिता, उस बयान च ते अमल च इन्ना जमीन समान का फर्क क्यों आ गया? बड़ा दिल करके उन्हां मजदूरां नाल गल करनी चाहीदी सी ना, उन्हां मजदूरां दे उत्ते डांगा मारनियां, उन्हां दीआं लत्तां तोड़नियां, उन्हां दे सिर पाड़ने, एक किधरली वाजबती वाजबीयत है। तुसीं इहदा मतलब दूजियां वर्गे ही हो, दूजियां नालों भी 2 कदम गांह चले गए। सो ये जिहड़ी कारवाई की है सरकार ने, असी साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की इस कारवाई नूं जोरदार शब्दों के विच इहदी निखेधी करते हैं ते ये अति निंदन योग कारवाई है। ते नाल मैं ये भी पुछना चाहूँगा कि तुहाडे पशु पालन विभाग के डायरैक्टर के बार च लगभग 70 दिन तो इंपलाइज बैठे ने, किसी ने नहीं सुनी उन्हां दी, पिछले दिन वो भी बेचारे दुहाई पिट रहे सी, उन्हां दी किसी ने नहीं सुनी। तेरे बार चाहना चाहिया लोगों ने आपकी गल सुनाउण वास्ते
ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।